महाशिवरात्रि का पर्व मंदिरों के शहर जम्मू में पूरी धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हर ओर भोले भंडारी के जय घोष गूंज रहे हैं। जगह जगह भंडारे लगे हैं। सुबह पहले पहर से ही श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। ऐसा नजारा आप शंभू मंदिर रूपनगर में भी देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। लंबी लंबी कतारें लगाए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। श्रद्धालु तीन पत्तों वाला 108 बेलपत्र चला रहे हैं। बहुत से लोग चंदन लगाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ा रखे हैं। माना जाता है कि भगवान शंकर भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं, इस कारण हर कोई अपने हिसाब से भगवान को खुश करने में लगा हुआ है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आतंकियों के घेरे होने के बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। संयुक्त टीम ने इस फायरिंग का जवाब देते हुए दोनों आतंकियों को वहीं मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद हुआ है। आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने की है। IG ने कहा कि कांदीपुरा गांव में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियानों की संख्या बढ़ गई है। डोडा के टाटा वानीपुरा के विभिन्न प्राथमिक स्कूलों की हालत बहुत ही दयनीय और खराब है। मार्च में स्कूल खुलने के बाद से छात्रों की कई एक्टिविटीज हुई, लेकिन दूसरी ओर जर्जर इमारतों को देखकर बच्चों और उनके पेरेंट्स में भी भय का माहौल है। कई इमारतों की हालत खराब है, जर्जर हो चुकी है। स्कूलों में ये नन्हे मुन्ने ठीक से बैठ नहीं पाते क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूलों की हालत ऐसी है जिसमें बच्चों को भेजना खतरे से खाली नहीं है। पर अफसोस है कि ये स्कूल पहाड़ी इलाकों में है, जिसकी वजह से डोडा शिक्षा विभाग और डोडा प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स तक नहीं है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ सरेआम धज्जियां उड़ रही है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के पुराने शहर में अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले नवाब बाजार क्षेत्र में कम से कम 6 घर आग लगने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये आग बीते दिन 4:20 पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। एक घर में शॉर्ट सर्किट के आग लगने से वो आग धीरे धीरे दूसरे घरों को फैल गई और आग ने सभी घरों को अपने लपेटे में ले लिया। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। इस आग लगने के हादसे से लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। रामगढ़ सेक्टर की पंचायत लगवाल के गांव कमोर कैंप के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए खुद साफ सफाई अभियान चलाया। गांव के गणमान्य लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की देश में सबसे अहम पहल है ये, जिसमें किसी पर निर्भर न रहते हुए खुद ही अपने गांव और घर की सफाई रखे। जिला सांभा के विजयपुर में जम्मू कश्मीर बागवानी विभाग द्वारा एक बड़ी पहल करते हुए इलाके में खजूर के पेड़ लगाए जा रहे हैं। बागवानी विभाग जम्मू के निदेशक राम सेवक, उप निदेशक शफीदा खालिद और चीफ बागवानी ऑफिसर सांबा अमित कुमार सहित आला अधिकारियों ने खजूर का पौधारोपण का शुभारंभ किया। ये पहली बार खजूर विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं लगाए गए। ये एक चैलेंज है। अगर ये कामयाब रहा तो आने वाले दिनों में खजूर के पौधे रियासी, रामबन और उधमपुर में लगाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसान खजूर की खेती करेगा तो उसे एक पेड़ से 3 लाख रुपए की आमदनी होगी। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 1 लाख सक्रिय मामले बने हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में भी वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश में रिकवरी रेट 97% बना हुआ है और मृत्यु दर 1.4% है। सक्रिय मामलों की बात करें तो इसकी दर 1.6% है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति चिंताजनक है, हालांकि इसकी वजह नया स्ट्रेन नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी कम टेस्टिंग, ट्रैकिंग और लोगों की लापरवाही से हुई है। उन्होंने लोगों से इस खतरनाक वायरस को हल्के में ना लेने की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान
घायल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुरक्षा मुहैया करवाने में नाकाम रहने पर निर्वाचन आयोग की निंदा की है और कहा है कि आयोग जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वही कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तृणमूल नेताओं ने दावा किया है कि यह हमला तृणमूल सुप्रीमो की जान लेने का गहरा षड्यंत्र था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पड़ोसी राज्यों से असामाजिक तत्वों को हिंसा करने के लिए नंदीग्राम भेजा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही एक वीडियो संदेश जारी कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि ऐसा कुछ न करें जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। ममता बनर्जी ने समर्थकों से अपील की कि सभी लोग शांति बनाए रखें। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही अस्पताल से बाहर आ जाएंगी। ममता बनर्जी ने वीडियो में कहा कि बुधवार को हुए हमले उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिससे हाथ पैर और लिगामेंट में काफी दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं कार के पास खड़ी थी जब मुझे उन लोगों ने धक्का मारा। फिलहाल अस्पताल में इलाज करा रही हूँ, लेकिन जल्द ही कोलकाता से रवाना हो जाऊंगी।